तो कोरोना के कहर से लोग अभी उबर भी नहीं पाए कि अब मंकी पॉक्स को लेकर के लोगों में दहशत है और इसी को लेकर के योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। फिलहाल हमारे संवाददाता ने खास बातचीत अधिकारी के साथ की है, आइए आपको सुनवाते हैं। पॉक्स को लेकर के योगी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं कोविड हॉस्पिटल में 10-10 बेड भी आरक्षित कर दिए हैं। तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीजी हेल्थ डॉक्टर लिली सिंह मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से अब मंकी पॉक्स को लेकर के अलर्ट जारी हुआ है, प्लस बेड्स भी अलग अलग आरक्षित कर दिए गए हैं, तो क्या सिम्टम्स हैं और कैसे बचा जा सकता है इससे? क्या लोगों को घबराने की जरूरत तो नहीं है? लोगों को ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे तो ये रोग बहुत ही संक्रामक रोग है और लेकिन मृत्यु दर बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी सुरक्षा के और इसके पूरे बचाव के इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है। इस रोग में एक छूने से फैलता है, सांस के से फैलता है, तो पहली बात तो बचाव के लिए जो कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना, मास्क लगाना और दूरी बना के रखना, भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना, कॉमन जैसे चीज़ें शेयर ना करना, जैसे बेड हैं, सीट्स हैं, मतलब जो भी पब्लिक की चीज़ें हैं उनको शेयर ना करना, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यदि कोई रोगी है तो उसके संपर्क में डायरेक्ट टच से, मतलब छूने से बचना है। इस रोग में मरीज को, व्यक्ति को बुखार आता है, सिर में तेज दर्द, बॉडी में तेज दर्द, बहुत अधिक कमजोरी होना और रैशेस पड़ना।